हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर देव और आज हम आप लोग के लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं। आज के वीडियो में हम एक प्लांट्स के बारे में बताएंगे जिसका नाम एंथूरियम है और उस प्लांट के सारे चीज़ बताएंगे कि हम केयर कैसे कर रहे हैं, उसमें सॉइल कैसे बनाएं कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर आए। तो देखिए, अब हम आप लोग को दिखा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम आप लोग को प्लांट के पास ले जा रहे हैं जहाँ पर हम लोग उस प्लांट को रखे हैं। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों, मिस मत कीजिएगा। तो ये रहा हमारा वो प्लांट जिसका नाम एंथूरियम है। आप लोग देख रहे होंगे कि ये बहुत ही सुंदर प्लांट दिख रहा है जिसका लगभग मैं 2 साल से केयर कर रहा हूं और आज इसमें बहुत ही बड़े बड़े फ्लावर आना चालू कर दिए। फ्लावर का साइज आप देख ही रहे होंगे कि मेरे हाथ से कितना बड़ा है। ये जो गमला देख रहे हैं दोस्तों, ये हम लोग ने हाथ से बनाया है अपने, और अधिकतर हम लोग ये कोशिश करते हैं कि इसका गमला हम यही घर में बनाए, हाथ से खरीद के हम लोग ज्यादा लाने की कोशिश नहीं करते हैं। आने वाले वीडियो में इस टाइप का गमला बनाने का भी हम आपको ट्रिक बताएंगे। और इस प्लांट्स को प्लास्टिक के पॉट में न लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। सीमेंट का पॉट हो गया या फिर मिट्टी का पॉट, ये ज़्यादा सूटेबल होता है। और ध्यान रखेंगे कि जो भी पॉट हो, नीचे होल ज़रूर होना चाहिए कि उसमें पानी जल्दी से ड्रेन हो सके, ऐसा ख्याल रखिएगा। और अब हम आपको आप लोग को बताएंगे कि इसका सॉइल कैसे बनाएंगे। ये प्लांट बहुत ही रेयर प्लांट है दोस्तों, आप इसको मार्केट से अगर खरीदेंगे तो बहुत ही महंगा मिलता है, 400-300 के लगभग 1000 रुपये तक आता है प्लांट। तो आप जब भी इसको खरीद के लाएंगे तो फूल रहेगा, आपको लगेगा कि फूल तो है लेकिन अगले साल जो फ्लावर देना बंद कर देगा, क्योंकि आप सही उसको सही ढंग से उसका सॉइल बनाने का आप नहीं जान रहे होंगे, इस वजह से उसका सही फ्लावर नहीं दे पाता, फूल नहीं खिलता। तो आज हम लोग का आप लोग को बताएंगे कि इसका सॉइल कैसे बनाएंगे। तो इसमें सॉइल जो बता रहा हूँ दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा कि इसको बनाते टाइम नॉर्मल गार्डन का सॉइल होता है, मिट्टी होता है, वो लगभग 30% रख लेंगे। रिवर सैंड नदी का जो रेत होता है वो 20% रखेंगे। ध्यान रखिएगा कि सारे पौधे में आप जब भी कुछ प्लांट लगाते हैं तो नदी का रेत जरूर डालिएगा, ये मिट्टी को भुरभुरा बनाने में काम करता है, प्लस पानी को एकदम से रुकने नहीं देता है, ड्रेन के जगह होल के जगह द्वारा ना पानी बाहर निकल जाता है, ये बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। उसके बाद आप कोकोपीट डालेंगे, कोकोपीट 10%। कोकोपीट की अगर जगह कोकोपीट नहीं है आपके पास तो आप राइस हस्क डाल सकते हैं। कोकोपीट नारियल का बुरादा होता है दोस्तों, नारियल का छिलका से जो छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं बुरादा, उसका उसी को कोकोपीट बोला जाता है। उसके बाद आप इसमें डाल देंगे चारकोल, लकड़ी जब जलता है तो कोयला जो मिलता है उसको लगभग 10% कोयले का टुकड़ा डालेंगे। इसके साथ ईंट का छोटा छोटा टुकड़ा भी डाल सकते हैं, भी पानी जब करने का काम रहता है। कोयले का काम ये होता है कि उसमें जो छोटे छोटे फंगस होते हैं, छोटे छोटे कीट होते हैं, उसको मारने का काम करता है कोयला, एक फंगिसाइड की तरह काम करता है, जड़ को गलने नहीं देता, सड़ने नहीं देता है, और उसमें छोटे छोटे कीट आ जाते हैं जो जड़ में, उसको कोयला आने नहीं देता। साथ में दोस्तों वर्मी कंपोस्ट डाल देंगे, वर्मी कंपोस्ट 30%, और अगर वर्मी कंपोस्ट ना हो तो गोबर की खाद यूज़ कर सकते हैं। गोबर का खाद पूरी तरह से, लेकिन गोबर का खाद भी कंपोस्ट होना ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। तो एक ये आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा सॉइल ही देखो कैसा है, एकदम वेल ड्रेन है। और आगे वीडियो में हम आप लोग को इसका केयर के बारे में बता रहे हैं। जब भी आप फ्लावर तो देख रहे हैं, बट ये फ्लावर जैसे कि ये फ्लावर मैं दिखा रहा हूँ, ये पुराना फ्लावर है जो सूख गया है, इसको अब हटाने की ज़रूरत है। तो इसको यहाँ से इसको कट कर देंगे जितने भी। और ध्यान रखिए क्योंकि ये जैसे खराब पत्ते हैं, इसको भी सारे खराब पत्ते को हटा सकते हैं आप। ये हो गया, ये भी फ्लावर पत्ता ठीक नहीं है, इसको भी हटा सकते हैं। फ्रेश फ्रेश पत्ते को रखिएगा, ये हो गया ठीक है।
इस प्लांट को दोस्तों मिस्टिंग बहुत पसंद है इसको। बीच बीच में कम से कम गर्मी के दिन है तो गर्मी के दिन में आपको लगभग दो बार इसको पानी देना पड़ेगा ऐसा फुहारा। इसको मिस्टिंग बहुत पसंद होता है, इससे पौधा आपका सूखेगा नहीं और बहुत ही सुंदर दिखते रहेगा, चमकते रहेगा। आप देख रहे होंगे कि ये जो नए नए कली आना चालू हो रहा है, अब बहुत सारे नए नए आ रहे हैं इसमें फ्लावर। ये फ्लावर लगभग नवंबर से आपको मार्च तक के फूल देगा ये प्लांट, और एक फ्लावर 2 महीना तक रहता है इसका फ्लावर आप जो देख रहे होंगे। और ये पूरा आर्टिफिशियल जैसे दिखता है, बहुत ही सुंदर प्लांट। एक और इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, आप लोग को लगे कि इसका जड़ अगर ऊपर आ रहा है, ऐसा अगर ऊपर दिखाई देना चालू करे तो इसको मिट्टी से ढकना नहीं है। अगर आप इसको मिट्टी से ढक देंगे तो ये मर जाएगा, तो नेचुरली इसको ऊपर आने की कोशिश कर रहे आने दीजिएगा। ये प्लांट आउटडोर प्लांट नहीं है दोस्तों, इसको बिल्कुल भी तेज धूप में न रखिए, हो सके तो इसको छाँव वाली जगह में रखिए जहाँ पर्याप्त मात्रा में प्रकाश आ सके। तो दोस्तों आज का वीडियो था एंथूरियम प्लांट के केयर के बारे में। आज के वीडियो से आप लोग को पता चला होगा कि एंथूरियम प्लांट का केयर कैसे करें। तो दोस्तों आने वाला वीडियो में और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज़ आप लोग को बताएंगे, जानकारियाँ देंगे। और पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे इस ब्लॉग में वीडियो में बहुत ही सारे चीज़ कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगा जो हमको पता है, आप लोग को सिखाएंगे और भी प्लांट्स के बारे में आपको बताएंगे कि उसका केयर कैसे करेंगे। हमारे पास बहुत सारे बोनसाई कलेक्शन भी हैं, आप लोग को बताएंगे बोनसाई कैसे बनाया जाता है, सारे चीज़ बताएंगे। और आप लोग को और भी कुछ प्लांट्स के बारे में अगर जानना हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम आप लोग को बताने का पूरा प्रयास करेंगे जो हमको आता है। और जो भी हम बता रहे हैं आपको, ये हमारा अनुभव के हिसाब से बता रहे हैं कि कोई भी प्लांट्स को अगर हम रखे हैं और उसका केयर कर रहे हैं तभी आप लोग बता रहे हैं। दोस्तों इस टिप्स को ज़रूर आप अपने गार्डन में उपयोग कीजिएगा, कोई भी पौधा लगाते हैं तो अगर आप लोग को दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर ही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने गार्डन में पौधा जरूर रखिए दोस्तों। घर में कोई सा भी पौधा रखिएगा और पौधा लगाइएगा और मन को खुश रखिएगा। तो मस्त रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। Thank you.